मिस्टीबिशी के इन्वर्टर कनेक्शन को जब हम इलेक्ट्रिक देते हैं, तो जो ही मैंने इलेक्ट्रिक दी तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है और ये एक रन लाइट है। जो ही कुछ देर हमने वेट किया तो इसकी जो टाइमर लाइट है उसने लाइट ब्लिंक शुरू कर दी। अब हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 टाइम जो है इसने ब्लिंक देनी शुरू कर दी है। अब ये जो है वो एक सीरियल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। इंडोर और आउटडोर दोनों में से कोई एक पीसीबी जो है वो फॉल्टी हो सकता है, ये दोनों भी फॉल्टी हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। तो इसके लिए हम दो तरीक़ेकार इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जो तरीक़ेकार होता है वो नॉर्मली जो कि हर बंदा कर सकता है, जो कि पहले से काम नहीं जानते वो भी कर सकता है, और नॉर्मली जो टेक्नीशियंस होते हैं वो भी इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी मसला आ सकता है, जैसे कि मेरे पास इस वक्त मसला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये यूनिट को मैंने ऑन किया और जब मैं इंडोर या आउटडोर में जो कनेक्टर्स लगे होते हैं वहाँ पर जो न्यूट्रल है उस पर और जो 3 नंबर जो वायर है इनके कनेक्टर में उसके ऊपर चेक करता हूँ। तो ये डीसी मोड में मैं चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ वोल्टेज की फ्लक्चुएशन जो है वो हो रही है। अगर तो पीसीबी जो है वो एरर नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल ओके है। लेकिन यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो हमें कुछ हद तक दिखाई दे रही है, जिसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि पीसीबी जो है वो ठीक है या कम्युनिकेशन सही हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी एक पीसीबी में या दोनों में ये प्रॉब्लम हो सकती है, और जिसकी वजह से ये फ्लक्चुएशन तो हो रही है लेकिन फिर भी जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है। अब ये नॉर्मल तरीका तो हो गया मल्टीमीटर के साथ चेक करने का, लेकिन चूँकि यहाँ पर मल्टीमीटर हमें ओके शो कर रहा है यानी कि फ्लक्चुएशन दिखा रहा है लेकिन चूंकि फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो दूसरा तरीका हम चेक करेंगे ऑसिलोस्कोप से या डीएसओ से। अब चाहे इंडोर पीसीबी है या आउटडोर पीसीबी है तो उसके अंदर जो सीरियल कम्युनिकेशन है उसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर सर्कट्स बनाए जाते हैं। तो इंडोर पीसीबी में यहाँ पर ये यह देखें, ये सर्कट इसमें बना हुआ है। तो ये 2 ऑप्टोकुपलर IC11 IC12 और इसके अलावा यहाँ पर कुछ जो है वो डायोड्स वगैरह लगाई गई हैं, और ये एक यहाँ पर PTC सेंसर लगाया गया है। और इसी तरह से अगर हम देखते हैं आउटडोर पीसीबी में तो यहाँ पर भी ये 2 ऑप्टोकुपलर लगाए गए हैं, एक डायोड है और एक अदद यहाँ पर PTC सेंसर जो है वो इंस्टॉल किया गया है, जो कि यहाँ पे ये रेड कलर में मौजूद है। अब इंडोर पीसीबी में जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये यहाँ पर IC11 और IC12 लगा हुआ है। अब इन ऑप्टोकुपलर्स का काम ये है कि डेटा को रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं। तो इनमें से एक जो ऑप्टोकुपलर होता है वो डेटा रिसीव करता है यानी कि RX कहलाता है, और एक जो है वो डेटा सेंड करता है यानी कि TX कहलाता है, ट्रांसफ़र करता है वो डेटा को। तो अब हम देखते हैं कि इनमें कौन सा है, IC11 या IC12 जो है वो डेटा रिसीवर है या सेंडर है। अब इस चीज़ को हम बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि यहाँ पर ये जो हमारे पास ये वाली इसकी जो कम्युनिकेशन वायर है तो कौन सा ऑप्टोकुलर है जिसका मुंह इसकी तरफ लगा हुआ है। ये देखें, अब मैं हम अगर देखें तो ये जो IC12 है इसका मुंह जो है वो इसकी तरफ है, वायर की तरफ है। तो ये जो है ये हमेशा क्या होगी, ये RX यानी कि इनडोर पीसीबी के लिए RX है यानी कि डेटा को रिसीव करने वाला ऑप्टोकुपलर कहलाएगा। और इसी तरह से जिस वायर का मुंह इस वायर के यानी कि जो कम्युनिकेशन है वायर है इसके उल्टा हो, तो ये देखें ये वाला IC11 जो है वो इसका मुंह इसके उल्टा लगा हुआ है, तो इसकी 1 नंबर पिन इस तरफ है, तो ये जो है हमेशा आउटडोर यूनिट की तरफ डेटा को ट्रांसफर करेगा, यानी कि इंडोर का जो डेटा है वो आउटडोर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो ये इंडोर का जो है वो TX कहलाएगा, ट्रांसफर ऑप्टोकुपलर कहलाएगा। अब डेटा को ट्रांसफर करने के लिए जो इसमें 1 नंबर और 2 नंबर पिन है यहाँ पर इमिटिंग डायोड लगी होती है, जो कि वोल्टेज मिलने पे ऑन और ऑफ होती है। जिस पैटर्न में और जिस फ्रिक्वेंसी में डेटा जो है वो इंडोर या आउटडोर एक दूसरे को सेंड करेगा उसी पैटर्न में और उसी फ्रिक्वेंसी के साथ जो है LED ग्लो करेगी और ऑफ करेगी। इसके आगे एक ट्रांजिस्टर लगा होता है और ट्रांजिस्टर के मीटिंग साइड पे कुछ वोल्टेज जो है वो स्टैंड कर रहे होते हैं, और यही वोल्टेज फिर उसी फ्रिक्वेंसी और उसी तरीक़ेकार के साथ पैटर्न के साथ जो कि पैटर्न हमें मीटिंग डायोड में मिला वो फिर आगे माइक्रो कंट्रोलर की तरफ शिफ्ट कर जाता है, और यूं फिर माइक्रो कंट्रोलर जो है वो समझ जाता है कि इंडोर या आउटडोर हमसे क्या काम या क्या बात कहना चाह रहा है। अगर तो आप पहली बार पीसीबी रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको ये ढूंढना होगा कि कौन सा पीसीबी पहले डेटा सेंड कर रहा है और कौन सा बाद में सेंड कर रहा है,
उसके लिए आपको फिर काम करना पड़ेगा। अब कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए हमेशा ब्रांड जो है वो किसी एक पीसीबी को, यानी कि या तो इंडोर या आउटडोर, उनमें से किसी एक को जिम्मेदारी देते हैं कि पहला सिग्नल या पहली जो बातचीत है या वेलकम जो मैसेज है वो उनमें से कोई एक जो है वो पीसीबी भेजेगा। कुछ कंपनी जो है वो इंडोर को ये जिम्मेदारी देती हैं और कुछ कंपनी जो है वो आउटडोर को ये जिम्मेदारी देती हैं। डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांड है, कौन सी कंपनी है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें ताकि जब आप पीसीबी रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता हो कि कौन सा पीसीबी पहले जो है वो सिग्नल या कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है, जिससे कि पीसीबी को रिपेयर करना बहुत आसान हो जाता है और आपको समझ होती है कि मैंने स्टार्टअप कहाँ से लेना है। अब ऑसिलोस्कोप से हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर ये लगा हुआ है कैपेसिटर C3, तो यहाँ से हम ग्राउंड पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट जो है वो यहाँ से लेंगे। तो इसकी पिन नंबर ये देखें, ये इस साइड पे हमारे राइट साइड पे है, तो ये बाद में लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे हम जो है वो अपनी प्रोब को लगा देंगे। तो इसको मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे मजबूती से लग गई है। अब इसके इंडोर पीसीबी को हम इलेक्ट्रिक दोबारा से लगा देते हैं। ये मैंने इलेक्ट्रिक लगाई और ये पीसीबी ऑन हो चुका है। यहाँ पर ऑप्टोकपलर IC11 ये जो है वो सेंडर है, यानी कि ये डेटा जो है ट्रांसफ़र करता है। इसके ऊपर अब हम चेक कर लेते हैं। अब मैं वन नंबर पे, जी बिल्कुल जी, ये यहाँ पर डेटा आ रहा है जी, बिल्कुल ये यहाँ पर अभी देखें, इस थोड़ा पोजिशन को मैं सही क्लियर करता हूँ। ये देखें जी, देखें यहाँ पर हमारे पास डेटा जो है आ रहा है, जा रहा है, और ये तकरीबन यहाँ पे हमें फ्रिक्वेंसी भी शो कर रहा होगा कि भी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे शो नहीं हो रही सही से। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन जो है वो कुछ क्लियर नहीं आ रही है। हम क्या करेंगे कि पीसीबी को इस तरफ कर लेते हैं, घुमा लेते हैं। अब अगर हमने और क्लियर सिग्नल्स इसके देखने हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर ये देखें, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है Q1, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसके लिए मैं दोबारा से पीसीबी को बिजली दे देता हूँ। इसको ऑन किया और यहाँ पर हमारे पास जो है इसकी बेस पे, ये देखें, ये जो है इसकी बेस पिन है। यहाँ पर हमारे पास सिग्नल जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। देखें कंप्लीट सिग्नल जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। और अगर हम इस रेजिस्टेंस से इस तरफ देखें तो यहाँ पर भी हमें देखें सिग्नल जो है वो अभी फ्लक्चुएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखें थोड़ा सा मूवमेंट करते हुए और 50 हर्ट्ज़ जो है वो जा रहे हैं और वोल्टेज जो है वो -2 वोल्ट यहाँ पर अभी इस वक्त यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर हमें जो प्रॉपर जो सिग्नल्स हैं वो इस वजह से नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि आने जाने का जो पैटर्न है वो प्रॉपर नहीं बन पा रहा है। तो इस वजह से जो है वो सिग्नल हमें प्रॉपर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है कि इंडोर जो है वो सिग्नल जनरेट कर रहा है। आउटडोर के लिए भी हम जो है फास्ट काम करेंगे, क्योंकि अगर सिग्नल आउट इंडोर ने निकालने बंद कर दिए तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगी चेक करना। तो आउटडोर यूनिट में सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेड वायर हमें सिग्नल वाली वायर नज़र आ रही है। इसके बाद ZD1 यानी कि जेनर डायोड नज़र आ रही है, और इसके बाद IC4 जो कि आउटडोर के लिए जो है वो RX है, रिसीविंग, यानी कि ये डेटा रिसीव करेगा, क्योंकि देखें इसकी पिन नंबर 1 जो है वो वायर की तरफ है। तो सिंपल सी मैंने जो फार्मूला आपको बताया हुआ है उसके मुताबिक ये इसका RX है और ये इसका TX है, क्योंकि इसका जो देखें जो 1 नंबर पिन है इसके अपोजिट है इस वायर के, तो इसलिए ये हमारा TX होगा। अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि पहले सिग्नल जो है वो वायर से इस जेनर डायोड में आते हैं, जेनर डायोड से फिर होके तो फिर आगे जो है वो ये ट्रेवल करते हैं। लेकिन यहाँ पर पोजीशन मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी है। तो पीसीबी को हम दोबारा से ऑन कर लेते हैं और इसको मैंने ऑन किया और यहाँ पर ये देखें जेनर डायोड जो है वो इसका ये एनोड है। तो एनोड पे देखें, यहाँ पर ये देखें जी, हमें यहाँ पर देखें सिग्नल जो है वो ट्रैवल करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, देखें। और अगर हम इसकी दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर ये देखें हमें इस वक्त ये देखें सिग्नल जो है वो ख़त्म हो गया। यहाँ पर एक फॉल्ट तो यहाँ पर ये है। अब दूसरा फॉल्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसके ऊपर जब आ रहे हैं नहीं आए जी, पिन नंबर यहाँ पर आएंगे, इसके ऊपर यहाँ पर भी नहीं आएंगे। तो जब ये सिग्नल जो है वो डायोड से ही आर पार नहीं हो रहे हैं, इनके क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये डायोड जो है वो शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तो इस जेनर डायोड को भी हम प्रॉपरली चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये वाकई फॉल्टी है या नहीं है। अब ये जो अगली टेस्टिंग हम करेंगे ये मल्टीमीटर से करेंगे, लेकिन सिस्टम से इलेक्ट्रिक को निकाल के फिर इसके बाद इसकी टेस्टिंग की जाएगी। अगर कोई इलेक्ट्रिक के साथ इसकी टेस्टिंग करेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए इस चीज़ से इससे सेफ रहें। अब इसके लिए हम मल्टीमीटर से इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल कुछ भी हमें शो नहीं हो रहा है। अब क्या करते हैं कि प्रोब्स को चेंज कर लेते हैं, और क्योंकि इस तरफ जो है एनोड है, इस तरफ कैथोड है, तो अब जो है वैल्यू शो होनी चाहिए। तो ये 0.627 वोल्टेज ड्रॉप जो है वो शो हो रहा है।
तो इसका मतलब यह है कि जो जेनर डायोड है वो मल्टीमीटर से हमें बिल्कुल ओके शो कर रही है, लेकिन जो वोल्टेजेस हैं वो सिग्नल की सूरत में क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो इस जेनर डायोड को हम चेंज करके देखते हैं क्योंकि ये यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही है। तो यहाँ पे ये जो डायोड लगी है ये 1 वाट की 24 वोल्ट की जो है जेनर डायोड होती है, इसको हम सेम नंबर के साथ जो है वो रिप्लेस कर देंगे। अब इसी सर्किट में मजीद जो है वो रेजिस्टेंस वगैरह लगी हुई हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें 3 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, एक यहाँ पर ये 47 ओम्स की है, 470, इसके अलावा यहाँ पर ये 1 किलो ओम्स की, और दूसरी भी जो है 827, ये भी 1 किलो ओम्स की यहाँ पे लगी हुई है। और इसके अलावा ये कैपेसिटर्स भी चेक करेंगे, अगर इनमें भी शॉर्ट सर्किट होगी तो फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मल्टीमीटर को हम दोबारा से सेट कर लेते हैं ओम्स में, और ये सबसे पहले 47 ओम्स की वैल्यू चेक करते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर 9.47 किलो ओम्स शो कर रही है, तो इसको 47 ओम्स होना चाहिए था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शो कर रही है वैल्यू। लेकिन बाज़ दफ़ा सर्किट में होने की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए इसको निकाल के हम चेक करेंगे। जबकि यहाँ पर ये देखें 12, तो 1 किलो ओम्स पूरी शो कर रहा है, और इसी तरह से 827 को भी चेक कर लेते हैं, और 827 जो है वो भी 1 किलो ओम्स ही शो हो रही है। इसका मतलब है कि 2 रेजिस्टेंस ठीक है, एक की वैल्यू जो है वो ज़्यादा शो हो रही है। तो ज़्यादा शो होगी तो फिर क्या होगा, डेटा जो है वो प्रॉब्लम करेगा आगे शिफ्ट होने में। अब सबसे पहले जो है वो हम इस रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं, क्योंकि डायोड जो है वो ओके शो कर रही है, लेकिन ये रेजिस्टेंस जो है वो हाई वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हाई शो कर रही है। तो ये एक प्रॉब्लम सिर्फ हो सकती है, लेकिन फिर भी हम पहले इसको करेंगे, और उसके बाद फिर अगर डायोड में फिर भी मसला हुआ तो फिर डायोड को भी चेंज कर देंगे। ये डायोड जो है रेजिस्टेंस जो है वो मैंने निकाल दी। अब इस रेजिस्टेंस को विदाउट सर्किट के हम चेक कर लेते हैं, इसको लगा लेते हैं जी, और इसकी वैल्यू देख लेते हैं। ये तकरीबन 63 किलो ओम्स शो कर रही है वैल्यू इसकी जी। तो ये जो रेजिस्टेंस है 63 किलो ओम्स इस वक्त अपनी वैल्यू शो कर रहा है, इसका मतलब है कि इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसको चेंज करते हैं, और उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि क्या वाकई इसी का फॉल्ट था कि जेनर डायोड का फॉल्ट है कि नहीं है। अब पुरानी रेजिस्टेंस की जगह हम नई रेजिस्टेंस लगा देते हैं, और इसके लिए इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब ये रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे लगा देंगे, तो 47 की रेजिस्टेंस मैंने ले ली है, और इसको यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे। अब इस नई रेजिस्टेंस की हम वैल्यू चेक करेंगे कि ये कितने ओम्स की हमें वैल्यू शो कर रही है, किलो ओम्स में जाती है कि ओम्स में है। तो ये 47.3 ओम्स 4 ओम्स जो है वो इस वक्त वैल्यू शो कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस ख़राब हो सकती है सिर्फ, लेकिन इसके लिए हमें दोबारा से सर्किट को टेस्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर तमाम सिस्टम मैंने दोबारा से रेडी कर दिया है, और इसको जो है वो इलेक्ट्रिक लगा देता हूँ। ये इलेक्ट्रिक लगाई और यहाँ पे मैं इसको ऑन कर देता हूँ, देखें ऑन किया, लाइट जल गई है। अब थोड़ी देर वेट करेंगे। अब इसमें 2 किस्म के एरर आ रहे हैं, पहले इसने जो हमारे पास यहाँ पर येलो लाइट थी उसको ब्लिंक किया, अब ये ग्रीन लाइट जो है वो ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये भी 6 टाइम जो है वो ब्लिंक कर रही है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है इसके इंडोर फैन मोटर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंडोर फैन इंस्टॉल नहीं है। अब यहाँ पर ये बात याद रखें कि कभी भी डीसी मोटर को डायरेक्टली ऑन पीसीबी में इंस्टॉल नहीं करना है, वरना तो आपकी डीसी मोटर या जो इंडोर पीसीबी या कोई भी सर्किट है तो वो उसी वक्त ख़राब हो जाएगा। इसके लिए इलेक्ट्रिक को बंद कर लें। अब आउटडोर में इस चीज़ को चेक करेंगे कि क्या वाकई सिग्नल प्रॉपर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो उसके लिए फिर से हम DSO या ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये मैंने ऑन कर दिया सिस्टम को। अब हमें इतना ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मीटर कलेक्टर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सिग्नल कुछ बन रहे हैं जी, तो ये देखें जी, अब यहाँ पर ये देखें सिग्नल बन रहे हैं, तकरीबन 50 हर्ट्ज़ की पोजिशन पर ही बन रहे हैं। अब देखें इस ऑप्टो कूपलर पर भी सेम ही जो है वो हमें मीटर कलेक्टर पे जो है वो वोल्टेज आ रहे हैं। अब अगर इसका मैं पिन नंबर 1 पे लगा लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 पे जो है वो बहुत ही क्लियर जो है वो हमें सिग्नल नज़र आ रहे हैं। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, ये भी सिग्नल जो है वो जाते हुए बनते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। देखें ये पूरा इसका पैटर्न बन रहा है, और ये तकरीबन कितने किलो हर्ट्ज पे बन रहे हैं अभी, ये 42 हर्ट्ज, ये देखें जी आ रहे हैं जा रहे हैं यहाँ पे सिग्नल, और हर्ट्ज भी आ जा रहे हैं जी 36 हर्ट्ज। तो मुख्तलिफ पैटर्न्स में ये देखें इसके जो सिग्नल्स हैं, इसकी 1 नंबर पिन पे जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं 37 हर्ट्ज़, और इसी तरह से अगर हम इस तरफ को देखें तो इसकी 1 नंबर पिन ये है, तो यहाँ पर भी देखें सिग्नल्स बन रहे हैं, इसको भी तो ये देखें जी यहाँ पर ये सिग्नल बन रहे हैं, और तकरीबन 50 हर्ट्ज़ की जो फ्रिक्वेंसी है यहाँ पर जनरेट हो रही है, और इसी तरह से देखें यहाँ पर भी बन रहे हैं और वहाँ पर भी बन रहे हैं। और अब ये देखें
ये जो दूसरा प्रोपेलर है IC5, इसकी पिन नंबर 3 पे यहाँ पे भी बनते नजर आ रहे हैं, और ये इंडोर की तरफ जो है वो सिग्नल हमें जाते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। और जो मल्टीमीटर के सिग्नल्स हैं वो आपको पता है कि कहाँ चेक करते हैं, तो वो यहाँ पर इस टर्मिनल पे चेक करते हैं जी। मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ न्यूट्रल पे और इसके अलावा 3 नंबर पे। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है जी, और आप देख सकते हैं कि ये देखें जी, अब पैटर्न्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। देखें यहाँ पर बिल्कुल ये पैटर्न सब चेंज हो गए हैं, और इसका मतलब है कि ये प्रॉपर जो है वो यहाँ पर ये देखें जी, बिल्कुल जी यहाँ पे पैटर्न जो है वो चेंज हो चुके हैं। इसका मतलब है कि जो हमारी कम्युनिकेशन जो सिस्टम था वो बिल्कुल ओके हो चुका है, और आपने देखा कि सिर्फ एक रेजिस्टेंस की वजह से ये सारी प्रॉब्लम इस सिस्टम में आई हुई थी। मजीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।